लगाओ माइक लगाओ। की रेड जो है सीएम हेमंत सोरेन के आवास पे ईडी की टीम पहुंच गई है और आप देख सकते हैं किस तरह से रांची का माहौल है। पूरा का पूरा राज्य से जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं वो पूरे राज्य से सीएम आवास की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की टीम जो है यहाँ पे पहुंच गई है। मौके पे पूरा का पूरा सुरक्षा बढ़ा दिया गया है और उन लोगों को इस बैरियर के आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार जो है ईडी की रेड चल रही है और उस रेड को लेकर क्या हो सकता है आज, इसी को लेकर पूरे कार्यकर्ता जो हैं जेएमएम के पूरे कार्यकर्ता जो हैं पूरे झारखंड से सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं और सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं झारखंड के पूरे कार्यकर्ता और उसमें पुलिस पूरा सुरक्षा के साथ पूरी पुलिस की टीम जो है आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से जो है देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं पूरी पूरी भीड़ के साथ यहाँ पे पहुंच गए हैं और सीएम आवास की तरफ जो है जा रहे हैं। और जैसे ही ईडी कार्रवाई के बारे में पता चला तो पूरे राज्य से जो है जेएमएम के कार्यकर्ता जो है लगातार रांची आना शुरू कर दिए हैं। बस भर भर के, गाड़ी भर भर के, आप देखिए पीछे का माहौल किस तरह से यहाँ पे है। यहाँ से अभी भी जो है लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे है यहाँ पे ईडी जो है रेड चल रहा है यहाँ पे सीएम आवास पे, वहाँ से 2 किलोमीटर है। और जेएमएम के कार्यकर्ता को आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है आगे बढ़ रही है, नारा लगाते हुए आगे बढ़ रही है और यहाँ पे पूरा सुरक्षा बल जो है यहाँ पे है ही। कांके रोड जो है वहाँ आगे बैरिकेडिंग कर दिया गया है और इसके साथ ही सीएम आवास के पहले भी बहुत कड़ी सुरक्षा में इन जेएमएम कार्यकर्ताओं को आगे जाने की परमिशन दी जा रही है। आज जो है माहौल यही है कि ईडी कार्रवाई चल रही है सीएम हेमंत सोरेन के आवास पे। रांची में जो पूरे कार्यकर्ता हैं पूरे जिले से यहाँ पहुंचे हैं यही देखने के लिए क्या होता है आज ईडी कार्रवाई के बाद, ये देखने के लिए। पूरे राज्य भर में जो है माहौल कल से ही गर्म था जब सारे के सारे विधायक दल की मीटिंग हुई और इसके बीच बहुत सारे घटनाएं हुई, उसको देखते हुए आज जो है सारे कार्यकर्ता सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से अभी सीएम आवास काफ़ी दूर है और लगातार पीछे आप देख सकते हैं बस से आए हैं, ट्रेकर से आए हैं और उनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। मतलब साथ में सिक्योरिटी के साथ जो है वो सारी की सारी टीम आ रही है। लगातार जो है आप देखिए जेएमएम के कार्यकर्ता जो है आ रहे हैं किस तरह से झंडे लेकर और बहुत सारी जो गाड़ी ट्रैफिक जाम, पूरा कांके रोड का जो माहौल हो गया है वो ट्रैफिक जाम वाला हो गया है। पुलिस जो है वो लगातार उनके साथ साथ चल रही है। आप देखिए किस तरह से दूर दूर से जो कार्यकर्ता अलग अलग राज्य से यहाँ पे आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हैं, एक साथ यहाँ पे जुटे हैं और सब सीएम आवास की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। आज ईडी कार्रवाई को देखने के लिए ईडी कार्रवाई के खिलाफ जो है वो लगातार कार्यकर्ता नारा लगाते हुए ढोल बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सीएम हेमंत सोरेन की आवास की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। और वहीं ईडी के जो टीम है वो 1 बजे पहुंची है और कार्रवाई जो है वो चल रही है। देखिए ये अभी कांके रोड का क्या है माहौल, आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हाथ में तीर धनुष के साथ जो है जेएमएम का झंडा लिए सीएम की तस्वीर है, सीबू सोरेन की तस्वीर है और इसी के साथ जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, जय जय झारखंड के नारे और हर तरह के जो नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं किस तरह से आप देखिए। और ऐसा पूरे रांची में जो है आसपास इलाके में 500 किलोमीटर की दूरी में धारा 144 भी लगा दिया गया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आया था। और सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से चौबंद हो गई है रांची में। इसी को देखते हुए माहौल देखिए आप कैसा हो गया है रांची का। पूरी ईडी की कार्रवाई जो चल रही है सीएम हाउस में उसको लेकर झारखंडी जो कार्यकर्ता है, झारखंड जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो जो है लगातार जो है
आगे बढ़ रहे हैं और सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। जेएमएम कार्यकर्ताओं का भारी भीड़ रांची मुख्यमंत्री आवास के तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे भारी बैरिकेडिंग और भारी सुरक्षा बलों के साथ जितने भी पूरे राज्य भर से अलग अलग जिले से जो भी गाड़ियां आई हैं, जो भी वाहन आया है उसे रोक दिया गया है और जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। अभी हम लोग काके से आगे मुख्यमंत्री आवास के तरफ बढ़ रहे हैं और पूरे हर एक रास्ते में भारी ट्रैफिक लगी हुई है और लोगों को बस पैदल जाने की अनुमति है। आप देख सकते हैं कि माहौल क्या है, भारी भीड़ है, भारी संख्या में महिलाएं आई हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। इस तरह का माहौल पूरे रांची में देखा जा रहा है। हर एक धारा 144 लगा हुआ है और जो भी जिले भर से लोग आ रहे हैं उसे रोका जा रहा है। तो यही है रांची का भी यही माहौल है कि ईडी की टीम हेमंत सोरेन के आवास पे है और कार्यकर्ता जो है हेमंत सोरेन के आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे का अपडेट हम लोग सीएम आवास की तरफ जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कि वहां का क्या माहौल है और ईडी की कार्रवाई कब तक खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार, हजारीबाग।